हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और यहाँ पर बन रही है चाय। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, तो ये दूसरी चाय है। एक सुबह की चाय हो चुकी है, अभी ये दूसरी चाय पीऊँगी मैं। इसके साथ देखूँगी लड्डू वगैरह लेती हूँ तो। और चाय पीने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ शॉप पे देखने के लिए कि आज यहाँ पे क्या नया हो रहा है। वैसे अब काम एंडिंग पर है और एंडिंग में वो जो चुटर पुटर काम भैया लोग छोड़ देते हैं कि ये तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। होता क्या है ना, वो बाद वाले काम जो होते हैं फिर उन लोगों को भी ऐसे लगता है कि यार ये यार वो ऐसे करके, मुझे ऐसा फील देता है। तो फिर जो है वो काम कर रहे थे, उसके बाद हमें मंदिर के लिए आना था तो यहाँ पे ना ये चेयर देख रहे थे। मतलब अपने उसके लिए नहीं देख रही हूँ मैं, शॉप के लिए। वैसे ही अच्छी लग रही थी तो विपिन कह रहे थे कि ले लूँ क्या, कि एक चेयर पूछ लेते हैं, एक मिल जाती है क्या। मैंने कहा लेनी नहीं है, अच्छी तो लग रही है, हमारे सोफे के कलर से भी मैच है। मैंने कहा कभी हम अपना कमरा किचन टूटेगी ना, क्योंकि हमारे घर में अब काम अभी तो नहीं मैं लगवाऊंगी, ना तो पैसे हैं ना समय है और अभी मन भी नहीं है यार ये सब करवाने का। तो 1-2 साल, 1 साल तो पूरा है उसके बाद। तो यहाँ पे हमने मंदिर पूछा इनसे, इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे, यही मंदिर था। इस मंदिर पे मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैंने कहा नहीं यार कुछ और कुछ और, क्योंकि सिर्फ 2 डिज़ाइन देखे थे हमने। डिज़ाइन एक भी हो लेकिन हमें पसंद आ जाए ना तो फिर वो नहीं रहता कि कुछ और। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने कहा यार माता रानी तो दिखा दूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे व्लॉग जो हैं 1 दिन लेट चल रहे हैं, मतलब आज का कल नहीं जाएगा परसों जाएगा, इस तरह से चल रहे हैं। या तो बीच में मेरा 1 दिन गैप होगा तब ठीक होगा, या फिर मैं 1 दिन में 2 व्लॉग डाल दूंगी तब ठीक होगा। 2 व्लॉग डालने तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिटिंग या तो रात में करके सो रही हूँ या सुबह सुबह उठ के कर रही हूँ तब जाकर, और वो भी जल्दी वाली एडिटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा मैं देख भी नहीं पा रही कहीं मिस्टेक ना हुई हो, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जैसे भाई वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, तो वो भी नहीं। वैसे तो मैं कभी चौकस वीडियो बनाती हूँ मैं, ऐसा कुछ रहता नहीं है, पर फिर भी ना एक बार देखना पड़ता है वीडियो की कहीं कुछ ना आ गया हो जो हमें एडिट करना हो। तो चलो पूजा कर ली है हम लोगों ने, पूजा तो पहले ही कर ली थी चाय पीने से पहले। स्कूटी पे गई ना इनके साथ अभी, तो बाल देखो। कल भी मैं स्कूटी पे गई थी, कल भी मेरे बाल बहुत गंदे से लच गए थे, ऐसे ऐसे सारे हो गए थे। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दर्द करेंगे अभी, मेरे को डर लग रहा है। मैंने सोचा था मैं सिर्फ शॉप तक जा रही हूँ इनके साथ, लेकिन फिर मंदिर का मुझे याद आया। मंदिर हमारा शॉप पे बना है लेकिन वो मंदिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मालवर का जो मंदिर होता है मार्बल का, वो वहाँ नहीं रखा जा सकता, दीवार पे नहीं टांगा जा सकता। रखा मतलब नीचे रख सकते हैं आप, शॉप पे नीचे नहीं रख सकते, ऊपर ही रखना पड़ता है। तो फिर जो है ना बड़ी दिक्कत हो रही है, भगवान जी कहेंगे, मेरे लिए ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं बहुत सुंदर सा चाह रही हूँ मंदिर, वैसा मुझे मिल नहीं रहा। अभी गए थे, अभी ना चेयर रह गई है जिसपे हम बैठेंगे, चेयर पे वो चेयर बिंदी हट गई मार्केट में मेरी। तो अभी पता है अभी कुछ लोग आए थे, वो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, इतना अच्छा लगा, उन्होंने घर पे पहचान लिया होगा। फिर अंदर आए और मिले, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को लगता है पता नहीं वो लोग भाई आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे। फिर मैंने उनको बोला कि 20 तारीख को आना है ज़रूर, तो देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, गला ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं हुआ मतलब खांसी हो गई है और खल 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 सा हो रहा है। खांसते हुए ऐसे लग रहा है वॉमिटिंग टाइप ना, समझ गए होंगे, सूखी खांसी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। कभी जुकाम हो रहा है मेरे को, कभी गला ख़राब हो रहा है, ऐसे चल रहा है। और आज जो है बाहर का जो टफन ग्लास होता है, यही बोला था शायद, वो लगने वाला है शायद 10-15 मिनट में, वो लगा कर चले जाएंगे। सारा काम हो चुका है, बाहर टाइल्स लग रही हैं जो मैंने आपको दिखाया, बाहर जो टाइल्स लग रही हैं वो हो जाएंगी सॉरी। और हाँ, रोशनदान में ऐसे कुछ लगाना है ताकि बारिश वारिश आए तो वो बच जाए, लेकिन वो अंकल बोल रहे थे कि ईद के बाद लगा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ईद के बाद लगा देना। और पानी का जो हमारा कनेक्शन हुआ है ना, वो वाली लाइन से हुआ है जिसमें पानी हफ्ता भर भी ले सकता है आने में और 15 दिन भी ले सकता है। तो वहाँ पर हम किसी से पानी का कनेक्शन जोड़ के टंकी भर रहे हैं। तो अब कल थापे की पूजा है, तो मैं ताई से रात मिलकर आई थी, अभी भाभी को भी फ़ोन करती हूँ। और ये जो मेरे 5-6 दिन गए, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार, आज मंगलवार है,
मेरा व्लॉग एक दिन लेट चल रहा है, तो इतवार में गया नहीं था ना, इस वजह से मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था, वरना मैं डाल देती, सफाई शुरू हो चुकी थी। तो आज मंगलवार है, पहला नवरात्र है और सारा काम लगभग हो चुका है। आज सफाई होगी वहाँ पे, तो मैंने तभी यही वाला सूट पहना है, अच्छा सा सूट नहीं पहना, ना साड़ी पहनी पहले नवरात्रे को, वरना मैं पहले नवरात्रे को आप सबको पता है या तो अच्छा सा सूट पहनती हूँ कोई नया, या फिर साड़ी पहनती हूँ। लेकिन वहाँ पे ना सफाई के लिए जाना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये वाले कपड़े ज़्यादा ठीक हैं। फिर शाम को सामान रखना, मतलब ऐसे लग रहा है बस अब टाइम आ गया। मैंने कुछ दिन बीच में, इन दिनों में ज़्यादा रश्मि कलेक्शन का काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी इधर भागना हो रहा है, कभी उधर भागना हो रहा है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, इस तरीके से चल रहा है, तो फिर नहीं हो पाता है। बस कुछ जो व्हाट्सएप से ऑर्डर हैं वो चल रहे हैं, दो चार कुरियर डेली के हो रहे हैं। कुछ लोगों के रुके हुए हैं सैटरडे संडे तक के, क्योंकि कल नहीं निकले, आज नहीं निकले, अब विपिन दोपहर में आएंगे, उनसे पूछूंगी। मेरा तो मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, रेल तो असली विपिन की बनी हुई है, क्योंकि मेरे को भी कुछ समझ नहीं आएगा विपिन ये कैसे हो गया, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा वो विपिन को कॉल करेंगे, या कुछ भी सामान होगा विपिन को कॉल करेंगे। विपिन के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको विपिन फ़ोन करके बोले कि यार ये तू कर ले या तू देख ले, क्योंकि मेन वही है उनको ही, तो वो तो बता भी नहीं सकते बेचारे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मैं अभी उनसे चाय पीते हुए, जब चाय पी रहे थे दुकान पर जाने से पहले, तो उनसे यही बात मैं कर रही थी, मैंने कहा यार आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। रश्मि कलेक्शन जो पूरा हो गया काम कंप्लीट हो गया और जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। किसी ने मेरे से पूछा था आप बताना आपका कितना रुपया लगा, कितना खर्चा आया, क्या कैसे, तो खर्चा तो मैं विपिन से पूछकर ही बताऊंगी, कुछ उनके पास से जा रहा है, कुछ मेरे पास से जा रहा है, तो वो सारा अभी तक हमने टोटल नहीं किया, लेकिन इतना पता है काफ़ी सारा जा चुका है। अब हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, विपिन ने ही किया है, उनको ही सब कुछ पता है, तो वो ही वो करेंगे। बल्कि जो अकाउंट बनना था रश्मि कलेक्शन का, वहाँ से कुछ वो ही नहीं आया अभी तक, बना नहीं, क्या क्या नहीं, तो इनको पूछूंगी। और घर में आलू लेने थे, रात में आलू भूल ही गई, और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं मेरी खुशी में, थैंक यू सो मच। और सच बताऊँ ना, ये सब आपके बिना भी नहीं संभव था। हाँ सुनो, वो अकाउंट का क्या हुआ यार, पूछा हो ना, क्योंकि मुझे तो इस नंबर पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, नहीं कोई मैसेज नहीं है। हाँ और वो आलू दोपहर में ही आएंगे, हाँ क्योंकि आलू नहीं है, दोपहर में आएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर भी यहाँ पे मैसेज चेक कर रही थी कि क्या पता आया हो, मैंने ध्यान ना दिया, पर ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रखा। तो चलो, मेरे को थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी थी, मन कर रहा था, क्योंकि इतने दिनों से सामने बैठ के आप लोगों से कोई बात नहीं हुई। किसी का कमेंट था कि नेल पेंट हटा दो, दूसरा लगा लो, लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, और फिर तो हमारे 2 दिन बाद पूजा भी है, तो साड़ी वाड़ी मेरी जो है ब्लाउज कल आ जाएगा, परसों ईद है ना, और शायद ईद वाले दिन ही मेरा ये ब्लॉग जाएगा। हाँ तो आप सभी को ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हाँ क्योंकि आज 9 है, एक दिन पीछे चल रहा है, तो ये 11 को ही जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, फोन चेक करती हूँ, इतने सारे मैसेज। अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम शाम की जोत बाती, मत्था टेकेंगे, शाम का जोत वगैरह लगाएंगे, उसके बाद खाने की तैयारी शुरू होगी कि भाई व्रत वालों का क्या बनेगा और जिनका व्रत नहीं है उनका क्या बनेगा, क्योंकि इन तीनों का व्रत नहीं है, हम दोनों का व्रत है, मतलब गुड्डू का और तन्मय का और तन्मय के पापा का, इनका व्रत नहीं है, मेरा और खुशी का व्रत है। तो फिर ये भी है कि उनका अलग बनेगा, हम लोगों का अलग बनेगा, तो उनका देखेंगे और अपना देखेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही हम पूजा करके उठे थे, तभी जो है कॉल आ गया था, जहाँ से मतलब मिंत्रा वालों से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, गुड्डू और अपना, तो वो आ चुका है। तो यहाँ पर वो भैया आ ही चुके हैं, रास्ता समझा रहे थे थोड़ा सा उनको, तो अभी लेते हैं अपना पैकेट पकड़ना।
करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर में। अभी आपको दिखाऊंगी भी हमने क्या मंगाया है। एक तो गुड्डू की ड्रेस है और मेरा एक पर्स है। पर्स ना मुझे जैसे रोज़ शॉप पे जा रहे हैं तो एक बड़ा पर्स चाहिए जिसमें कुछ सामान है जो चाहिए होगा, तो मैंने कहा इसलिए एक बड़ा पर्स ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे पास जो पर्स है ना, एक तो मेरा लगभग ख़राब ही हो गया, एक जो मेरा वो वाला है दूसरे वाला ग्रीन वाला ही, तो उसमें क्या है ना उसमें हाथ ही नहीं जाता पर्स में, छोटा भी है और चेन पता नहीं उसकी टिप किस टाइप की है, हाथ डालो ना तो हाथ नहीं घुसता, तो इस वजह से फिर मैंने मतलब प्रॉब्लम होती है, चला तो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा एक बड़ा पर्स मंगाती हूँ। खैर मिंत्रा से मुझे ये पर्स बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऑफ चला हुआ था कुछ परसेंट इस वाले ब्रांड पे, बगेट करके कुछ था और ये फिर 749 के लगभग या पता नहीं 750 से ऊपर था या 749 था, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। पर चलो अब तो मंगा लिया है, अमेज़ॉन से मंगा रही थी आजकल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रिटर्न में डाला, मैंने कभी आज तक रिटर्न नहीं किया तो वो रिटर्न का कुछ हो नहीं पा रहा। उसमें क्या हुआ कि मैंने फ्लैग वाला पेपर वेट मंगाया था, उन्होंने भेज दिया दूसरे वाला, तो मैंने कहा अब आएंगे ठीक है नहीं तो उसको ही देखते हैं। फिर जो है आपको दिखाया गुड्डू का ड्रेस था येलो वाला और मेरा पर्स था। उसके बाद किचन में आ गए, आलू वगैरह छीले और फिर जो है खाना बनाने लग गए हैं। व्रत के बनेंगे जीरे वाले आलू और उन्हीं आलू से गुड्डू तन्मय का आलू का पराठा या फिर आलू की सब्जी। अब विपिन का क्या है ना, आलू का पराठा उनको पसंद भी है और नहीं भी, ज़्यादातर उनको सब्जी रोटी दाल चावल ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो विपिन को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनानी हैं। तो आलू हमने काफ़ी ज़्यादा उबाल लिए थे क्योंकि आज आलू आलू का ही होने वाला है, जीरे वाले आलू, तन्मय और गुड्डू का आलू का पराठा और विपिन की जो है आलू मसाला वाली जो सब्जी होती है वो बन जाएगी, उनको अच्छी भी लगती है चटपटी सी वो। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने वाला काम शुरू किया क्योंकि व्रत का खाना है, सबसे पहले वो बन जाए साफ़ सुथरा, फिर उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे जो जीरे वाले आलू हैं वो बन चुके हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। इसमें हमने लाल मिर्च डाली है तो इस वजह से ये ऐसे हो रहे हैं, और हम लोग लाल मिर्च यूज़ कर लेते हैं। लाल मिर्च कुछ लोग क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो सरसों के तेल में कुटी हुई होती हैं, अगर सरसों के तेल में कुटी हुई ना हो लाल मिर्च तो वो लाल मिर्च यूज़ कर ली जाती हैं, क्योंकि हरी मिर्च से ही तो लाल मिर्च बनती है सुखा करके। उसके बाद फिर बना रहे थे हम आलू के पराठे, वो आलू बनाकर रख दिए साइड पे, तो अभी मैं खुशी को खिलवा दूंगी पहले, फिर जो है मतलब पहले खुशी इनको डाल के दे देगी गुड्डू तन्मय को आलू का पराठा दही के साथ, फिर वो अपनी प्रेयर, वो तो मना कर रही थी नहीं मैं आपके साथ खाऊंगी, मैंने कहा नहीं तुम भी बैठ के खा लो फटाफट, और विपिन का भी देखती हूँ इसी टाइम पे बना के रख दूंगी। विपिन आ करके शॉप पे चले गए थे, वहाँ पे सफाई चली हुई है तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे कि कल भी कहा मेरा काम तो दिख भी जाता है, उनका काम तो दिखता भी नहीं है क्योंकि वहाँ कौन जो है रिकॉर्डिंग करेगा व्लॉग बनाएगा। और विपिन को आप लोगों ने शुरू से देखा है कि उनको जो है ना ज़्यादा वो रहता है व्लॉग में ना आने का, मतलब उनको ये नहीं है कि मुझे नहीं लेना व्लॉग में, पर उनको शौक नहीं है। 6 साल हो जाएंगे इस साल मुझे व्लॉग करते करते, पर आपने देखा होगा आज तक विपिन ने 2 मिनट लगातार बैठ के आप लोगों से बात नहीं की होगी, जो कि मैं उनको बोलती हूँ कि बोला करो कभी, जैसे भाई वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं हस्बैंड बहुत सारे हैं जो करते हैं बात करते हैं, पर विपिन ने आज तक भी नहीं, कोई भी नेगेटिव कमेंट हो या कुछ भी हो या मुझे लेके बवाल भी उठा हो काफ़ी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कभी उन्होंने आकर के कुछ नहीं बोला। आप लोगों ने भी देखा है और आप लोग भी सोचते होंगे इस बात को, सब नहीं तो कुछ लोग सोचते होंगे, ये आदत उनकी अच्छी भी लगती है कई बार कि यार वो तो आते ही नहीं है बोलते ही नहीं है, पर कई बार ऐसे लगता है कि यार मेरे लिए तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। थोड़ा बहुत अब गुड्डू को लगने लगा है जब से वो थोड़ी समझने लगी है चीज़ों को कि मम्मी आपको मतलब जैसे कमेंट, कई बारी मेरे पास वो बैठी है मैंने उसको फ़ोन दे दिया क्योंकि आजकल पता है आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं गुड्डू से करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब आप अपने समय से समय निकाल कर मुझे समय दे रहे हैं तो मुझे भी अपने समय से समय निकाल कर आपको समय देना चाहिए। तो ये फिर मैं क्या करती हूँ, गुड्डू मेरे पास बैठो मुझे कमेंट पढ़ के बताओ, या फिर मैं कमेंट तो पढ़ लेती हूँ रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मुझे पता होता है किस तरह के कमेंट्स आए हैं, तो मैं उसको बोल देती हूँ यार को रिप्लाई करो गुड्डू बैठ करके। तो आजकल जैसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना हो या कमेंट्स का रिप्लाई करना हो वो ज़्यादातर गुड्डू ही कर रही है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना पसंद भी है, पता नहीं क्यों एक अलग ही अटैचमेंट है आप लोगों से, आप लोगों के लिखे हुए कमेंट से। तो यहाँ पे गुड्डू ने थोड़ा सा व्लॉग बना दिया था, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। मिरर को लेकर कमेंट आ रहा था कि टूटा हुआ या टेढ़ा मिरर नहीं लगाते हैं, तो अब तो ये लग चुका है और
अब मैं देखती हूँ इसको चेंज करवाती हूँ, मैं बना बनाया मिरर सोच रही हूँ कि कर लूँ। आप देख सकते हैं ऐसा है ये कुछ, वो है हमारी मैम और वो रश्मि कलेक्शन, रश्मि सॉरी रश्मि मैम मिसेज रश्मि। अब हम गेट खोल देंगे। हेलो मैम, हेलो मैम, आप हाथ मिला सकते हैं? मिला लो, हाथ धो करो। आपको काफी गंदा हो रहा है, आपको सफाई नहीं करोगी आप? या फिर आपको शीशा भी काफी गंदा हो रहा है, सफाई आप किसके लिए? तो यहाँ पे मैं आई और मैंने मंदिर देखा ना, तो वो मुझे काफ़ी ऊंचा लगा और आप लोगों को भी लगा होगा। मैंने जब ये बात विपिन को बोली तो उन्होंने बोला कि स्विच बोर्ड से फिर वो चौड़ाई मंदिर की जो है थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी, पर मैं फिर क्या बोलती, फिर थोड़ी सी बहस ही हो जाती है। फिर मंदिर मैंने कहा इधर लगवा देना चाहिए था तो फिर वो ठीक हो जाता, लेकिन अब क्या करें क्या बोलें, कई बार फिर वो भी इरीटेट हो जाते हैं और वो फिर वही है, फिर बहस हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो जहाँ है वहीं रहने दूंगी। और फिलहाल इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़िएगा जैसा आजकल आप कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं।